हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम बिना बुकरम से नेक कैसे बनाते हैं, गोल गला बिल्कुल परफेक्ट राउंड नेक कैसे बनाते हैं बिना बुकरम से। तो अगर उसके पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, लाइनिंग मैंने इसके अंदर लगाई हुई है और मैंने सुई धागे से कच्चा डाला हुआ है। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपनी स्टिचिंग स्टार्ट की है। और ये देखिए, ये मेरी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड ही हमें अपनी मार्किंग करनी होती है जो भी हम मार्किंग करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इसका सेंटर कर लेती हूँ। इसको हाफ़ में देखिए इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इसका बिल्कुल प्रॉपर हाफ़ कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने प्लेट्स के निशान लगाए हुए हैं, अगर आपने अपने सूट में प्लेट्स डालने हैं तो आप भी अपने निशान मार्किंग पूरी पहले ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जितना आपको रेडी नेक चाहिए होगा उतना हमने यहाँ पे मार्क करना है। मेरा नेक जो है वो 7 इंच रेडी रहेगा और आधा इंच मैं ऊपर एक्स्ट्रा जो शोल्डर में दबेगा उसका निशान लगाऊंगी और 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से आपने निशान लगाना है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब जितनी आप चौड़ाई रखना चाहते हैं गले की उसी हिसाब से लगाइए। मैं 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी और मेरा 2.75 यहाँ पे रेडी रह जाएगा। और जितना आपने रेडी रखना है उससे 2-3 पॉइंट कम रख लीजिए। ये देखिए इस तरह, अगर आप छोटे गले पहनते हो तो 2.25 इंच पर निशान लगा लीजिए, 2.5 इंच वो रेडी रह जाएगा। और यहाँ पे मुझे 2.75 इंच नेक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है और इसको राउंड शेप दे देनी है। देखिए इस तरह से, बिगनर्स को प्रॉब्लम होगी इसीलिए हल्के हल्के आपने मार्किंग करनी है। इस तरह से गोलाई देनी है बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर और इसको यहाँ पर कट कर देना है। बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा राउंड गला तैयार होता है बिना बुकरम से। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर देनी है ऐसे, और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम ये देखिए खोल के दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग से ये हमारी कटिंग हुई है राउंड गले की, गोल गले की। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हम कच्चा कर लेंगे। अगर आप लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिंगल फैब्रिक है तो आपका ऐसे भी अटैच हो जाएगा, आपको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुई धागे के साथ ही कच्चा करना है क्योंकि ये वीडियो बिगनर स्पेशल है और बिगनर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर वो सुई धागे से कच्चा करते हैं और उनकी सिलाई में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अभी ये जो गले में से कपड़ा निकला है इसके अकॉर्डिंग ही हम नेक पैटर्न कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये डबल कपड़ा ले लिया है, ये देखिए ये सिंगल नहीं है, ये डबल है क्योंकि ये लाइनिंग का फैब्रिक है। और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है, इस तरह से 4 लेयर में कपड़ा हो गया ये मेरे पास। तो मैंने 4.5 इंच ये फैब्रिक ले लिया है। आप चाहो तो सिंगल कपड़े से भी इसको नेक को लगा सकते हो। तो अभी जो अनइक्वल कपड़ा है मैं उसको सबसे पहले इक्वल कर लूँगी, कट कर दूँगी ऊपर से जो ऊपर नीचे था कपड़ा। तो देखिए इस फैब्रिक को मैं यहाँ पे रखूँगी इसके बीचों बीच, और ये मेरा फोल्डेड है जो मैं इसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पर एक निशान लगाऊँगी, या फिर इसके निशान के ऊपर कट कर लीजिए या फिर इसको ऊपर रख के ही इसके बिल्कुल पास पास आपने कट कर लेना है कपड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अभी नीचे की तरफ से देखिए 2 इंच पे मार्क करना है, 2-2 इंच पे मार्क करके आपने पूरा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये 2-2 इंच का मेरे पास कपड़ा है और ये 2 कपड़े हैं मेरे पास, 2 फैब्रिक हैं ये देखिए। क्योंकि इसके साथ अगर हम लाइनिंग के 2 फैब्रिक से अपना गला बनाते हैं तो बुकरम की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती और गले में जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इसके देखिए सीधी साइड, हमने सूट की सीधी साइड इस पैटर्न को रखना है, इस फैब्रिक को रखना है। ये देखिए जो हमने पट्टियाँ कट की थी नेक की, इसको ऐसे अच्छी तरह से अटैच करना है। और कुछ पिन्स ले लीजिए, पिन्स की हेल्प से ये जो फैब्रिक है आपका इधर उधर नहीं हिले जुलेगा। बिल्कुल सेट करते हुए आपने 3-4 पिन्स लगा लेने हैं अपने नेक पे। ये देखिए, अगर पिन्स नहीं हैं तो आप सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपके नेक में, इसकी इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो अभी 0.5 इंच से भी कम सिलाई आपने यहाँ पे लगानी है, तकरीबन 2 से 3 पॉइंट के मार्जिन की सिलाई आपने यहाँ पर लगानी है पूरे नेक में। इस तरह से सेट करते हुए एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड इसको ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने ये काम करना है
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे आपने सीज़र के साथ कैंची के साथ छोटे छोटे कट लगाने हैं। पहले पिंस निकाल दीजिए आप। तो यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, जो आपने सिलाई लगाई है ध्यान से आपने कट लगाने हैं पूरे नेक में। तो अभी आपने देखिए क्या करना है, दबाव की सिलाई हम लगाएंगे। दबाव की सिलाई कैसे लगाएंगे, इस कपड़े को इधर की साइड करते हुए ये देखिए यहाँ से हम दबाव की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल एक पैर की मार्जिन की हमने ये सिलाई लगानी है दबाव की। ये देखिए इस तरह से सेट करते हुए इसके साथ आपका जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग से मुड़ जाएगा नीचे वाला। तो ये देखिए पूरे गले में हमने दबाव की सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अभी सुई धागा लीजिए और सुई धागे के साथ एक बार और यहाँ पे कच्चा डालना है आपने। ये कच्चा आप मशीन के साथ भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आपको मशीन के साथ कच्चा डालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आपने सुई धागे से ही अपना काम करना है। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी डिज़ाइंस की अच्छी अच्छी पिक्स और वीडियोस डालती रहती हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैंने अपने चैनल पे 2-3 और वीडियोस डाली हुई हैं बिना बुकर्म से गला कैसे बनाते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूँगी और ऊपर आई बटन में भी शेयर कर दूँगी। तो ये देखें नेक पैटर्न हमारा अटैच हो चुका है, कितनी फिनिशिंग से ये हमारा फैब्रिक पट्टी लगी है। तो इसको इस तरह से मोड़ते हुए हमने सुई धागे के साथ ही कच्चा करना है। आप चाहे तो मशीन के साथ भी कर लेना, वो आपकी मर्जी है। और बाद में हम उस सिलाई को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कच्चा डालने के बाद यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। आपने बिल्कुल फिनिशिंग से तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बिना बुकरम से गोल गला बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है हमारे पास। तो एक बार मैं इसको रेडी करके दिखाती हूँ तुरपाई करके। तो यहाँ पे जो भी फालतू फैब्रिक हो उसको कट कर लीजिए। और ये देखिए मैंने कच्चा डाल लिया है और तुरपाई करके आपको दिखाती हूँ। और ये तुरपाई मैंने कर ली है यहाँ पे। और अब हम सुई धागे से जो भी कच्चा डाला था, रफ सिलाई डाली थी, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो नेक हमारे पास बनके बिल्कुल रेडी है बिना बुकरम से। कितनी फिनिशिंग से हमने ये नेक रेडी किया है आप देख सकते हो, कितना फिनिशिंग से ये हमारे पास बिल्कुल गोल गला बना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।